हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था शीत युद्ध के अंत के बारे में, आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दवी ध्रुवीयता का अंत। दवी ध्रुवीयता हमने पढ़ी है क्या था कि विश्व का दो गुटों में बट जाना, और पिछले लेसन में हमने शीत युद्ध का जो प्रारंभ किया था वो बर्लिन का जो बंटवारा था, जर्मनी था, ये जर्मनी के बीच में बर्लिन की दीवार निकाल दी थी, बर्लिन की दीवार। इसके कारण क्या हुआ, ये जो गुट था पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आज का जो लेसन है वो लगभग फर्स्ट लेसन से ही कह सकते हैं कि संबंधित है। इसके कारण दोनों गुटों में बंटने के कारण क्या, बर्लिन की दीवार लगभग 150 किलोमीटर निकाली गई। ठीक है, आज का जो हमारा लेसन है, जो ये गुट था हमारा पूर्वी गुट, इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था, और लगभग ये 15 राज्यों का मिला हुआ गणराज्य था, यानी कि 15 राज्यों को मिलाया गया एक सोवियत संघ था, जो ये हमारा पूर्वी गुट था। और जर्मनी के दो पार्ट किए हुए थे, पश्चिम और पूर्वी भाग, और जो पूर्वी भाग था उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जो कि 15 राज्यों का एक कह सकते हैं कि संघ था। और इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो बर्लिन की दीवार थी पूरे विश्व को दो गुटों में बांटने की, जहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस दीवार को जो है जून 1989 में गिरा दिया गया, जनता के द्वारा उसको जो है गिरा दिया गया। यहाँ से जो है सोवियत संघ का जो है कह सकते हैं कि विघटन होना शुरू हो गया। विघटन मतलब सोवियत संघ में जितने ये 15 राज्यों का एक वो था, संघ था, वो ये राज्य स्वतंत्र होने शुरू हो गए, अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इसका हम शुरू करते हैं यहाँ। सबसे पहले सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली, तो हमने पिछले लेसन में जैसे पढ़ा था कि अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था और सोवियत संघ जो है समाजवाद को, यानी कि समाज के जो संसाधन है उन पर किसका अधिकार होना चाहिए, पूंजीपतियों की बजाय गरीबों का या मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए। और धीरे धीरे ऐसा होता गया, इसको दूसरी अर्थव्यवस्था बोलते हैं विश्व की, दूसरी दुनिया बोल सकते हैं, दूसरी दुनिया का देश। फर्स्ट था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। इसके बाद आता है ऐसे कौन से कारण हुए, ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ का बिखराव हुआ, विघटन हुआ, ऐसे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिनके कारण सोवियत संघ का बंटवारा हुआ। तो सबसे पहले हम उनमें लेते हैं, फर्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। तो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बता देता हूं पहले, इनको जो है सोवियत संघ की कमान मिलती है और धीरे धीरे उन्होंने, ये ऐसी विचारधारा का व्यक्ति था जिन्होंने जो लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था सोवियत संघ में, लोकतंत्र स्थापित करने की इच्छा से इन्होंने अनेक सुधार करने शुरू कर दिए, जिसके कारण जनता को पसंद नहीं आए और धीरे धीरे इसके जो सुधार हैं वो नेगेटिव प्रभाव होते चले गए, और जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया और धीरे धीरे कह सकते हैं कि इसका साम्राज्य खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार थे वो जनता को नागवार गुजरे, जिसके कारण ये सोवियत संघ के विघटन का कारण बना, फर्स्ट। उसके बाद आता है दूसरा आता है शोक थेरेपी को मैं क्लियर कर देता हूं। ये एक ऐसी प्रणाली थी कि आघात पहुंचाकर किसी देश का उसको सहायता प्रदान करना, फिर उसका इलाज करना। मान लीजिए पहले तो किसी को हानि पहुंचाई और फिर किसी का इलाज किया गया, ठीक है, हानि पहुंचाकर उसका इलाज करना। ये किस लिए संबंधित थी,
वह अमेरिका ने पहले तो सोवियत संघ को पूर्ण रूप से तोड़ने का काम किया, उसको हर संभव आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर खूब कह सकते हैं कि तोड़ने का काम किया, कमज़ोर करने का काम किया, और उसके बाद फिर उसका उपचार शुरू किया, उसको सहायता प्रदान की गई। इसको हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉक थेरेपी बार बार आता है। और इसके बाद आता हमारा सोवियत संघ के सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का, संस्थाओं की कमजोरी। धीरे धीरे शॉक थेरेपी के बाद सोवियत संघ की जो आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं थी वो कमजोर होती चली गई, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अमेरिका की एक पूंजीवादी व्यवस्था का जो प्रेशर या कह सकते हैं दबाव या कह सकते हैं फिर उनकी ओर आकर्षित होना शुरू हो गया। अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था की ओर ये संस्थाएं आकर्षित हुई, जिसके कारण सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी कमज़ोर होती चली गई, और ये संस्थाएं कमज़ोर होने के कारण जो शासन था गोर्बाचेव की, जो कह सकते हैं सरकार थी, वो कमज़ोर होती चली गई और धीरे धीरे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। थर्ड पॉइंट पर आता है परमाणु हथियारों पर ज्यादा खर्च। अमेरिका एक ऐसा देश है दुनिया का जिसमें आज की तारीख में कह सकते हैं कि आज के दिन कोई भी देश शक्ति में हथियारों से उनसे लड़ नहीं सकता, लेकिन सोवियत संघ ने बहुत कोशिश की अमेरिका के बराबर अपने हथियार बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की और घातक हथियार बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा खर्च शुरू कर दिया। अमेरिका अपना अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा पैसा सैनिक खर्चों पर लगाता है, यानी कि सुरक्षा के लिए लगाता है। लगभग दुनिया के ऐसे 12 देश हैं, वो अकेले अपने अपने कह सकते हैं कि 12 देशों के बराबर पैसा खर्च करता है अमेरिका अपनी सैनिक व्यवस्था पर। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ या कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाओं को हम अगर जिक्र करें तो वहाँ पर भी अमेरिका जैसी संस्थाओं का या कह सकते देश का बोलबाला है। तो सोवियत संघ ने अमेरिका की कह सकते हैं कि तर्ज पर हथियारों पर ज़्यादा खर्च किया, जिसका बुरा प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था पर, बुरा प्रभाव पड़ा। जिसके कारण इसका धीरे धीरे खत्म होना, विघटन होना शुरू हुआ। उसके बाद है लोगों का पूंजीवाद की ओर आकर्षित होना। पूंजीवाद की ओर आकर्षित होना क्यों? धीरे धीरे जब शॉक थेरेपी लागू हो गई थी या कह सकते हैं, या आर्थिक जो और सामाजिक संस्थाएं कमज़ोर हो गई थी, तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थ अमेरिका की बनी हुई चीज़ें हैं या सामान हैं उनकी ओर ज़्यादा लोग आकर्षित हुए, जिसके कारण कह सकते हैं कि सोवियत संघ एक विघटन की ओर शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद संघर्ष होने लगे, तनाव हुआ लोगों में, आपस में टकराव होने लगे, गृह युद्ध की स्थिति हुई। इसे निपटने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जो है सोवियत संघ इससे निपट नहीं पाया। इसके बाद अगर हम देखें सोवियत संघ, शॉक थेरेपी हम इसका मेन कारण मानते हैं। शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, हम अगर परिणाम करें तो उसके बाद शॉक थेरेपी के परिणाम अगर हम यहाँ लिखें, पी के परिणाम, ये लिखना, ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के बिखराव का, विघटन का सबसे अहम बिंदु क्या था, शॉक थेरेपी था। अमेरिका ने सोवियत संघ को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार की नीतियां कई वर्ष पहले या कह सकते हैं काफ़ी समय पहले ही शुरू कर दी थी, ताकि सोवियत संघ अंदर से टूट जाए। अगर सोवियत संघ अंदर से खोखला हो जाता है तो उस पर उसको तोड़ना काफ़ी आसान होगा, और उसका वो माध्यम क्या था, शॉक थेरेपी था। और शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, सबसे पहले मुद्रा में गिरावट आई, रूबल जो है सोवियत संघ की मुद्रा थी वो गिर गई, वो कह सकते हैं कि स्टैंड नहीं कर पाई अमेरिका जैसे देश के बराबर में मुद्रा का गिर जाना, क्योंकि एक देश के अंदर जो मुद्रा कमज़ोर होने लगी सोवियत संघ के अंदर,
उस कमजोरी के कारण जो है कह सकते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा कारण था। अमेरिकी सामान है वो ज़्यादा बिकने लगा, कारखाने स्थापित हुए, पूंजीवाद की ओर लोग आकर्षित हुए, पहनावा बदल गया, सामाजिक संस्थाएं बदल गई, जिसके कारण प्रभाव किसका हो गया, अमेरिकी डॉलर का हो गया। और अमेरिकी डॉलर का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण सोवियत संघ की जो मुद्रा रूबल थी वो कमज़ोर हो गई। और इसके बाद आता है फर्स्ट सेकंड आता है इसमें अमीर और गरीब, और गरीब के रूप में समाज बंट गया, समाज का बंटना। इस व्यवस्था के आते ही सोवियत संघ में दो प्रकार के लोग हो गए, अमीर और गरीब। अगर हम सोवियत व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले तो मजदूरों को ज़्यादा या गरीब लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब जब से अमेरिका ने अपने यहाँ शासन स्थापित या कह सकते हैं कि दबाव बनाना शुरू किया, तो यहाँ दो प्रकार के लोग हो गए, अमीर और गरीब। और उन लोगों के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में खाइयाँ ज़्यादा बढ़ने लगी, टकराव ज़्यादा होने लगे, और देश में फिर वही कि आपस में टकराव होने के कारण देश की जो आंतरिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर होने लगी। और इस कमज़ोरी के कारण माफिया वर्ग, जो मतलब माफिया वर्ग, जिस माफिया हम किसको बोलेंगे जो भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा देता है, ऐसे माफिया वर्ग को जो है उदय होने का कारण जो है प्रदर्शित किया गया, यानी कैसे माफिया वर्ग का जन्म हुआ। सेकंड आता है इसके बाद क्या हुआ, शोक थेरेपी के परिणाम में जो आंतरिक संस्थाएं थी, सोवियत संघ की जो बैंक थी या फिर कह सकते हैं वित्तीय संस्थाएं थी, उनका दिवालिया निकल गया। बैंक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वो उनका दिवालिया मतलब वो दिवालिया वो धराशायी हो गई, ख़त्म हो गई। उनके पास मतलब स्टॉक या कह सकते हैं कि इनकम के साधन नहीं बचे, और इसके कारण धीरे धीरे अमेरिकी जो बैंक थे या अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो कह सकते हैं कि मजबूत हुई। उसके बाद आता है नेक्स्ट में एक बड़ा कारण और भी था अमेरिका का, एक महाशक्ति के रूप में, मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में। हमने पहले भी जिक्र किया है कि अमेरिका अपनी कुल अर्थव्यवस्था का, यह कह सकते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था में इतने दुनिया के 12 देश अपनी सेना पर खर्च करते हैं, अकेला अमेरिका इतना खर्च करता, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में जो है उभरा। ये हम परिणाम भी बोल सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। परिणाम सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में क्या हलचल हुई, दुनिया में क्या हलचल हुई, और सबसे पहले हलचल के रूप में एकमात्र ऐसा देश अमेरिका बच गया दुनिया में जिसका कोई लड़ने वाला, कोई सामना करने वाला नहीं था। एकमात्र महाशक्ति, एक ध्रुवीयता जिसको हम बोलते हैं, एक ध्रुवीयता सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद एक ध्रुवीयता का समय या दौर शुरू हुआ। एक ध्रुवीयता का मतलब हो गया कि मात्र एक अमेरिका महाशक्ति बचा जिसका सामना करने वाला कोई नहीं था। और इसी के साथ सोवियत संघ के विघटन के साथ क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया। जब सोवियत संघ कई राज्यों में बंट गया तो एक महाशक्ति अमेरिका बचने के बाद शीत युद्ध खत्म माना जाता है, शीत युद्ध खत्म हो गया था। और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तुरंत बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुई। आगे थर्ड में आता है नेक्स्ट में, सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी, या हम कह सकते हैं कि परमाणु हथियार बनाने की जो होड़ थी देशों में, वो लगभग ना के बराबर हो गई। जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था तो दोनों गुट ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने के, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे, लेकिन सोवियत संघ का जब बिखराव हुआ, विघटन हुआ, तो ये जो हथियार बनाने की होड़ थी ये भी जो है ख़त्म हो गई। हथियार बनाने की होड़ समाप्त हुई,
ये परिणाम थे सोवियत संघ के विघटन के। और इसके बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह सकते हैं हैवी हो चुकी थी समाज पर, दुनिया पर, जो मतलब विश्व शांति के लिए जिन्होंने कदम उठाए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या कह सकते हैं कि विश्व बैंक हैं, और इन्हीं के कारण जो है ये ज़्यादा कह सकते हैं कि दुनिया के पटल पर ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन मजबूत हुए। और बाद में इस प्रकार के उपनिवेश बनाने की, गुलाम बनाने की, अपने छोटे देशों को गुलाम बनाने की, गरीब देशों को व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, जिसके कारण कह सकते हैं कि ज़्यादा अमेरिका जो है दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। उसके बाद आता है पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। पूंजीवाद यानी कि हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पढ़ चुके हैं, पूंजीवाद जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं, वहाँ पर अमीरों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बाकी की तुलना में, जो नियंत्रण के साधन हैं या कह सकते हैं कि हमारे संसाधन हैं उन पर ज़्यादा पूंजीपतियों का अधिकार है वहाँ। तो यहाँ पर दुनिया के अधिकतर देशों में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। दुनिया में सोवियत संघ के विघटन को देखकर अनेक देशों में पूंजीवाद को अपनाया गया। और इसका मुख्य कारण क्या था? शॉक थेरेपी। क्यों? ये ऐसी संस्थाओं के द्वारा अपनाया गया, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ऐसी संस्थाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिन्होंने शॉक थेरेपी को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और अमेरिका जैसे महाशक्ति को मजबूत करने में जो है सहयोग किया। इसके बाद आते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद तीन अहम देश जो मजबूत देश बनकर उभरे, उनमें से रूस सबसे ज्यादा मजबूत था। विघटन के बाद जितने भी देश बने, यूक्रेन या फिर बेलारूस और रूस यूक्रेन और बेलारूस, ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आज़ाद होने वाले देशों में से एक थे। और जो सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तरदायित्व, उसका कह सकते हैं कि हम सबसे पहले रूस को मिला, ये सबसे बड़ा देश था और इसको उत्तराधिकारी माना गया सोवियत संघ का। उत्तराधिकारी मतलब जो शक्तियां सोवियत संघ को प्राप्त थी वो रूस को प्राप्त हुई। और रूस क्या, सोवियत संघ के कारण ही रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थाई सदस्य बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हम जब नेक्स्ट लेसनों में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थाई सदस्य हैं और 10 अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं एक लिमिट समय के लिए, 2 साल के लिए, तो बार बार वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 5 सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिलती है, वो स्थाई सदस्य हैं, उनके अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली डिपेंड है। उनमें से एक क्या था, रूस को निर्धारित किया गया, क्योंकि सोवियत संघ के आधार पर एक उत्तराधिकारी के रूप में इतने विघटन के बाद रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी चुना गया और उसको यूएनओ में क्या मिला, एक स्थायी सदस्य। इसके बाद आते हैं भारत के और रूस के संबंध विघटन के बाद। सोवियत संघ स्टार्टिंग से ही भारत का एक मित्र देश रहा है हर परिस्थितियों में, चाहे हम आज़ादी से बाद के समय के दौर से लगाएं, कभी भी सोवियत संघ ने हर संभव, या रूस ने हर संभव भारत की मदद की है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, शरणार्थियों का मुद्दा हो, या फिर किसी भी तरह की जो घटनाएं आंतरिक और बाह्य घटनाएं हैं, चीन के साथ का मुद्दा हो, जमीनी विवाद हो, हर संभव रूस ने क्या किया है, सहायता करने का प्रयत्न किया है, सहायता की है भारत की। अनेक प्रकार के लड़ाकू विमान हैं या आर्थिक मदद है समय समय पर रूस ने दी है। अहम मित्रों में जो है इसको रूस को जो है भारत का माना जाता है।
और इसके बाद हमारा जो है सेकंड सेशन लगभग यहीं तक था। सोवियत संघ का विघटन, इसके पश्चात हम थर्ड सेशन शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से लेसन पढ़ें, या फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरा जो नंबर है उस पर मुझे जो है डिस्कस कर सकते हैं, 9996749888। इस नंबर पर आप जो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी प्रकार की जो है समस्या से आप पूछ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।